61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? यहाँ आंसर होगा ए एड्रिनलिन, क्योंकि जब भी डर या विषम परिस्थिति होती है हमारे रुधिर में एड्रिनलिन स्रावित होता है और हम विषम परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए अनैच्छिक का मतलब क्रिया अपने आप होती है, हम नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं, उल्टी ये अपने आप हो जाती है, अत्यधिक लार निकलना ये भी अपने आप होता है, दिल धड़कना ये तो होता ही रहता है, चाह के भी बंद नहीं कर सकते हैं। डी है चबाना, ये हम सोच समझ कर करते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 62 का आंसर होगा डी। 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? यहाँ आंसर होगा ए 270 दिन, 30 गुना 9, 9 × 27, यहाँ 270 दिन सही ऑप्शन होगा। 64 नंबर प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? आंसर होगा बी 1985। 65 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, आंसर होगा यहाँ जो दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, अमीबा में द्विविखंडन होता है, किंतु ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, आंसर होगा ए। 66 नंबर, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यहाँ आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, क्यों? टीबी भी हमारे लंग्स से संबंधित है और निमोनिया भी उसी से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया दोनों, जिसमें आंसर कहेंगे हम डी, बी और सी दोनों। 67 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन वसा पचा लेते हैं, बी आंसर होगा सेल्यूलोज, ये नहीं पचा पाते हैं। 67 हो गया। 68 नंबर प्रश्न, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? तो यहाँ पर हाइपरटेंशन जो है ये ब्रेन हेमरेज का कारण है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जो महीन धमनी हो ये फट जाता है, तो उसी को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। आंसर होगा सी, और ये हाइपरटेंशन के कारण होता है। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? 69 नंबर प्रश्न का बी आंसर होगा कसकुटा, ये याद कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी कसकुटा। 70 नंबर का प्रारंभ करते हैं आंसर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? आंसर होगा निलय द्वारा। 70 का आंसर होगा बी निलय द्वारा, क्यों? क्योंकि निलय से ही महाधमनी में पंप करके रक्त डाला जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में फैलाया जाता है, अर्थात पहुंचाया जाता है। 71 नंबर, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, तो आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा और ईस्ट जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, दोनों में ही मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, आंसर होगा ए। 72 नंबर प्रश्न, जनन संचरित रोग है? यहाँ 72 का आंसर हो जाएगा डी, सभी, सिफिलिस भी, एड्स भी, गोनोरिया भी, तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स सभी जनन संचरित रोग हैं, तो आंसर होगा डी कि इनमें सभी। 73 नंबर प्रश्न, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? आंसर होगा ए बाह्य दलपुंज। 74 नंबर प्रश्न, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी, बी जो है वो ब्लड समूह ए के लिए एंटीबॉडी होता है। 76 नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? 75 का आंसर होगा सी गैस्ट्रिन, ध्यान दीजिएगा यहाँ इंसुलिन नियंत्रित करता है, ग्लूकागन भी नियंत्रित करता है, ये ध्यान दीजिएगा, और
सोमैटोस्टैटिन भी नियंत्रित करता है कहीं ना कहीं ग्लूकोज के नियंत्रण में, इसका भी स्थान होता है। तो आंसर होगा सी, गैस्ट्रिन ये नियंत्रित नहीं करता है। 76 नंबर प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन है। 76 का आंसर हो जाएगा ए, जिबरेलिन। ऊपर हमने चर्चा भी किया है, आंसर होगा इसका ए। 77 नंबर प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है, तो ध्यान रखिएगा हार्मोन हमेशा अंतःस्रावित ग्रंथियों से ही स्रावित होता है। तो 77 का आंसर होगा ए, अंतःस्रावित ग्रंथि से। 78 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 78 का आंसर होगा सी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं। 79 नंबर, एंड्रोजन है क्या है, तो यहां दिया है मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन, तो इसमें से आंसर होगा ए, मेल हार्मोन। 80 नंबर, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो जानते हैं हम सभी कि मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था और बहुत सारा प्रयोग किया था। 80 का आंसर होगा ए। तो इस तरह से हमारा 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया।